कामयाब लोगों की कहानी को छोड़ उनके सफर की शुरू से शुरुआत करवा रहे हैं। अपनों से कुछ सीखने के बाद उनका कर्ज किश्तों में चुका रहे हैं। आम जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने की आस लोगों में जगा रहे हैं। उतार चढ़ाव तो हर कहानी का हिस्सा है, हम तो बस उनकी ओर एक उम्मीद का हाथ बढ़ा रहे हैं। जिंदगी की रेस में लड़खड़ाते तो सब है, हम तो बस उन्हें उठना सिखा रहे हैं। इस ऐश और आराम की जिंदगी में जज्बातों की अहमियत को दर्शा रहे हैं। दिल से निकली बात दिलों तक पहुंचा रहे हैं। हमारी कहानी जो अब तक अधूरी थी उसे पूरा करने आपकी कहानी की तलाश में आ रहे हैं। जिन लोगों ने अपने अनुभव को बंद कर रखा था संदूकों में, आज हम उनसे वो खुलवा रहे हैं। ये मेरी कहानी ला रहे हैं, एक कहानी ऐसी भी जो आपके सपनों को हकीकत में बदल दे। ये मेरी कहानी के 35th एपिसोड पे आप सुन रहे हैं जिज्ञासा सुजाता को, जो है एक पोएट, कथक डांसर एंड होपफुली अ सिंगर समडे एंड मे बी एन एक्ट्रेस इफ थिंग्स गो वेल। सो आई एम फ्रॉम बॉम्बे, आई एम अ पोएट। मैंने 9th स्टैंडर्ड के आसपास लिखना शुरू किया। आई थिंक मेरी फर्स्ट पोएम वॉज अबाउट हाउ मच आई हेटेड स्टडींग, एंड मैंने अपनी तभी के बेस्ट फ्रेंड के साथ वो पोएम लिखी थी। आई डोंट हैव इट नाउ, बट दैट्स हाउ आई स्टार्ट राइटिंग। फिर 12th स्टैंडर्ड में मेरा बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ था, और लाइक एवरी दिल टूटा आशिका स्टार्टेड राइटिंग अगेन। और मैं उस बारे तब मैं सिर्फ प्यार के बारे में लिखती थी। और फिर मैंने एक कोर्स शुरू किया मंथन आर्ट इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पे ना हमें एक असाइनमेंट होता था कि सर हमको एक टॉपिक देते थे और उसके ऊपर 10 लाइन्स लिखने होते थे हर रोज़। सो उस एक्सरसाइज की वजह से आई स्टार्टेड राइटिंग इन हिंदी। एंड फिर 14th के आसपास आई फाउंड आउट कि पोइट्री परफॉर्म भी की जाती है, एंड स्टेज पे लोग जाके पोइट्री परफॉर्म करते हैं। मेरी एक फ्रेंड ने एक वीडियो शेयर किया मेरे साथ अबाउट द स्पोकन वर्ड का पीस, एंड आई रियली लाइक इट एंड आई वांटेड टू ट्राई इट आउट। सो आई रिसर्च अबाउट इट, मैंने अपनी कोई कोई फ्रेंड से बात की, फिर मुझे पता चला कि वर्ड्स टेल स्टोरीज करके एक इवेंट होता है, वो लोग पोइट्री वर्कशॉप भी कराते हैं। तो मैंने वहाँ पे एक वर्कशॉप किया, फिर उसके 2 दिन बाद आई परफॉर्म पोइट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। खार में एक जगह है जो पहले ट्यूनिंग फोक हुआ करती थी, अब हैबिटाट बोलते हैं जगह को। तो आई रिमेंबर 13th जून 2016 वाज माय फर्स्ट एवर पोइट्री का परफॉर्मेंस। तो मैंने लिखना शुरू किया, मैंने मेरा पहला स्टेज प्रॉपर परफॉर्मेंस दिया 17 दिसंबर 2017 को। And now here I am today talking about my poetry and my journey as a writer. I somewhere think I took it from her. So if I have to talk about someone who has inspired me to write, I think it would be my mother. उसने मुझे ये सिखाया कि लाइफ में कितनी भी बुरी चीज़ें चल रही हो, यू कैन ऑलवेज ओवरकम इट, एंड द बेस्ट 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 वे टू डील विथ योर प्रॉब्लम इज इंडल्ज इन आर्ट। एंड अगर आप लिख रहे हो, आप नाच रहे हो, आप गा रहे हो, आप स्टेज पे एक्ट कर रहे हो, आप पेंट कर रहे हो, हर एक तरीके का आर्ट फॉर्म एक आउटलेट होता है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। और फिर वो एंगर हो, प्यार हो, सैडनेस हो, ऐसी कोई फीलिंग नहीं है जो आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस नहीं हो सकती। जब राइटिंग की बात आती है, ऑल्दो मम्मी ने कभी एक्टिवली मुझे लिखने को नहीं कहा या फिर कभी उन्होंने मुझे कोई कोर्सेस लेने को नहीं कहा, पर बिकॉज मैंने बचपन से मम्मी को लिखते हुए देखा था, जब मैंने लिखना शुरू किया आई न्यू फॉर अ फैक्ट कि ये मम्मी से ही आया है मुझ में, और आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट। जब एक ऐसा पॉइंट आया कि मैं बहुत सारी पोएम्स लिख रही थी, वो पोएम्स रिलीज़ हो रही थी, तो मॉम के रियल लाइफ से मैंने बहुत सारे इंस्पिरेशन लिया है, और मैं चाहती थी कि मैं वो सारी चीज़ें अपने पोएम्स थ्रू एक्सप्रेस करूँ, बिकॉज उसको बहुत मन था राइटिंग करने का, बट देन उसके बच्चे हो गए एंड शी कुड नेवर डू इट। और मुझे लगा कि अगर मैं अपनी राइटिंग से मम्मी की स्टोरी अगर बाहर नहीं ला सकती, तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ मी बीइंग अ राइटर। सो मैंने मॉम से बात की, मैंने उनको पूछा कि ऐसी कोई स्टोरी है जो चाहेंगे कि लोगों को पता चले, तो उन्होंने बहुत सारी स्टोरी बताई। उनमें से उनकी मैरिटल लाइफ को लेके जो भी प्रॉब्लम हुई थी, द रीज़न वो और मेरे डैड अलग हुए, बहुत सारी चीज़ें थी जो ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू शेयर राइट नाउ। तो मैंने उनमें से कोई स्टोरीज लेके मैंने कुछ पोएम्स लिखी, और उसमें से एक पोएम थी जो रिलीज हुई है जिसका टाइटल है माई मदर्स टीयर्स। तो वो पोएम स्पेशली मॉम के एक लाइफ के चैप्टर के मैं बात करती है, और जब वो पोएम मैंने लिख के मॉम को सुनाई तो शी स्टार्टेड क्राइंग, बिकॉज इट वाज अ वेरी वेरी इमोशनल थिंग फॉर हर, एंड बिकॉज ऑफ दैट वाज अ वेरी इमोशनल थिंग फॉर मी। तो आई थिंक एज अ राइटर आई वाज वेरी हैप्पी, बिकॉज मैंने मॉम की आंखों में वो सैडनेस देखी थी बिकॉज ऑफ द थिंग्स शी इज गॉन थ्रू, बट आई कुड ऑल्सो सी कि वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही थी उस मोमेंट पे, बिकॉज शी वॉज हैप्पी दैट समवन रोट अबाउट इट, एंड समवन में वो उसकी खुद की बेटी थी।
तो आई थिंक राइटिंग का सबसे बड़ा गिफ्ट मुझे यही मिला है कि माई मॉम हैज़ बिन वेरी 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 हैप्पी विद द अमाउंट ऑफ वर्क आई हैव डन एंड द काइंड ऑफ वर्क आई हैव डन. एंड एज अ राइटर, एज एन आर्टिस्ट, एज अ डॉटर, मैं अपने आर्ट से बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, बिकॉज जो खुशी मुझे राइटिंग की वजह से मिली है, जो खुशी मेरी मॉम को राइटिंग की वजह से मिली है मेरे, आई थिंक वो मुझे अदरवाइज नहीं मिलती. बट एक बहुत 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 टेरिबल फेज था लाइफ का. माई पेरेंट्स गॉट सेपरेटेड. हम इतने पॉवर्टी के पॉइंट पे आ गए थे कि हम लोग ऑलमोस्ट एक पूरा पूरा महीना हम लोग ने सिर्फ ब्रेड खा के सर्वाइव किया, बिकॉज वी डिड नॉट हैव मनी टू ईट फूड. मैं एक एक डेढ़ महीना कॉलेज नहीं गई हूँ, बिकॉज ट्रेन का पास खरीदने के पैसे नहीं थे, कॉलेज जाने के पैसे नहीं थे. एंड वो टाइम पे राइटिंग मैंने जो शुरू किया था, और ये सारी चीज़ें ना आप इतनी आसानी से भूलते नहीं. इट्स वेरी ईजी टू फॉरगेट द हैप्पी मोमेंट्स, बट द सैड मोमेंट्स स्टे विथ यू फॉर अ लॉन्ग 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 टाइम. तो मैंने उन सैड मोमेंट्स को, अभी मैं उनको हैप्पी तो नहीं बना सकती, बट ऑल आई कुड डू वाज यूज देम एंड राइट अबाउट इट, एंड आई रोट अबाउट इट, एंड इट रियली हेल्प मी, बिकॉज नाउ व्हेन आई लुक बैक एट दोज मोमेंट्स आई फील रियली हैप्पी कि अगर मेरे साथ वो सारी चीज़ें नहीं हुई रहती तो शायद मुझे लिखने का इंस्पिरेशन नहीं मिलता, शायद मैं मेरे आर्ट को लेकर इतना पैशनेट नहीं होती. तो आई वॉन्ट से इट्स नाइस दैट आई स्ट्रगल्ड, बट आई एम सेइंग दैट I take it in a very positive note ki I am what I am today, I'm sitting here today because of my struggles, and I'm really happy that I could come out of it stronger. I'm happy that I could come out of it an artist and not someone who's still dealing with it. So I would really like to thank my art for bringing me out of that terrible terrible phase. And struggles har ek life mein hote hai, I think it's all about how you deal with it, and my way of dealing with it was writing about it. सो जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो सबसे पहली चीज़ ये हुई कि मैं जो भी लाइव इवेंट्स करती थी पोएट्री के, सारे बंद हो गए, बिकॉज कॉलेज बंद हो गए और कोई इवेंट्स हो नहीं रहे थे. और मेरे बहुत सारे आर्टिस्ट फ्रेंड्स हैं बॉम्बे में, जो बॉम्बे से नहीं हैं, उन लोगों को वापस अपने घर जाना पड़ा, बिकॉज दे वर नॉट अर्निंग एनीथिंग, और बॉम्बे में रहना इज़ वेरी एक्सपेंसिव, आई थिंक एवरीवन नोज दैट. तो मैं बहुत प्रिविलेज फील करती हूँ कि मेरे पास एक डे जॉब था एट द एंड ऑफ द डे, जिसकी वजह से मुझे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस तो नहीं हुए, बट येस मेरी एक्स्ट्रा इनकम बंद हो गई. लॉकडाउन में स्पेशली फॉर एन आर्टिस्ट बहुत डिफिकल्ट है घर पर रहना बिना कुछ किए. बहुत सारे मेरे दोस्तों की मेंटल हेल्थ अनस्टेबल हो गई थी, एंड मैंने बहुत लोगों से बात की थी इस बारे में. एंड पर्सनली लॉकडाउन हैज़ बिन गुड फॉर मी, बिकॉज बहुत टाइम मिला मुझे इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, मैंने बहुत टाइम खुद के साथ बिताया है, मैंने बहुत सारे पैसे सेव करने की कोशिश की है, मैंने नए नए आर्ट फॉर्म सीखने की कोशिश की है. लॉकडाउन शुरू होते ही मैंने सिंगिंग क्लास ज्वाइन किया था, एंड अभी 2 साल हुए उस चीज़ को ऑलमोस्ट, मेरा क्लास अभी भी चल रहा है. सो आई ट्राइड माई बेस्ट टू यूटिलाइज माई टाइम डूइंग आर्ट, बिकॉज मुझे पता था अगर मैं लिखूंगी नहीं, अगर मैं डांस नहीं करूंगी, अगर मैं गाऊंगी नहीं लॉकडाउन में, तो मैं पागल हो जाऊंगी सीरियसली. सो वो एक जब मैंने शुरू किया था 2016 में लिखना, आई वॉज 20 ईयर्स ओल्ड एंड आई वॉज स्टिल फिगरिंग आउट हाउ टू गो अबाउट इट. आई वॉज लुकिंग एट अदर पोएट्स मेरे आसपास जो थे, जो एल्डर पोएट्स थे, तो मुझे उनको देख के लगता था कि मैं इतना अच्छा कभी नहीं लिख पाऊंगी, या फिर इन लोगों का जो कमांड ओवर द लैंग्वेज है, वो जितने अच्छे तरीके से लिखते हैं, तो ना मैं बहुत सहम जाती थी. मैं ये सोचती थी कि मुझे मेरी पोएम्स अगर डिफ़िकल्ट नहीं सुनाई दे रही है, तो मे बी मैंने अच्छी पोएम लिखी नहीं है. और उस वजह से काफ़ी महीने, काफ़ी हफ्ते मैंने इसलिए नहीं लिखा था, बिकॉज आई थॉट आई वॉज़न्ट गुड इनफ. फिर आई ग्रू ओल्ड एंड आई रीच्ड अ पॉइंट वेयर आई रियलाइज्ड कि मैंने एज अ राइटर, एज अ पोएट ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे करना चाहिए कि मैं जो लिख रही हूँ वो एक बहुत ऑनेस्ट प्लेस से आ रहा है, मैं जो कहना चाहती हूँ वो मेरे वर्ड्स थ्रू एक्सप्रेस हो रहा है. फिर इट डजंट मैटर इफ द वर्ड्स आर डिफिकल्ट, और इफ़ वो 4 साल का बच्चा पढ़ के भी समझ पाए. तो वो रियलाइजेशन आने को काफ़ी साल लग गए, बट जब वो रियलाइजेशन आया, आई थिंक दैट वॉज वन ऑफ द वेरी हैप्पी मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ, बिकॉज आई थिंक वो पहली बार था जब मैंने अपनी पोएट्री को, अपने आर्ट को पूरी तरह एम्ब्रेस किया था कि दिस इज़ मी, और मुझे नहीं आती अच्छी इंग्लिश, और मुझे नहीं पता बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स, बट मैं वो लिख रही हूँ जो मुझे लिखना है. और 1000 लोगों में एटलीस्ट एक इंसान तक भी अगर वो चीज़ पहुँच रही है ना, तो माय पर्पस देयर इज़ डन. सो आई नो इट्स वेरी इजी टू से कि गो फॉलो योर ड्रीम्स, यू वांट टू डू दैट, यू वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, बट अर्न मनी बिफोर दैट, सेव दैट मनी. सो आई थिंक मेरी एडवाइस यही रहेगी कि इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल टू फॉलो योर ड्रीम्स, इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू वॉन्ट टू ट्रैवल द वर्ल्ड. बस मेक दिस वर्ल्ड फॉर योर सेल्फ, हैव अ 9 to 5 जॉब, सेव सम मनी, यूज दैट मनी टू फॉलो योर ड्रीम्स, और
ये जो खुशी होती है ना कि खुद के इंडिपेंडेंट मनी से आपने खुद का सपना शुरू किया, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग दैट कैन मेक यू फील बेटर देन दैट. सो टेक दिस फ्रॉम मी एंड प्लीज गो फॉलो योर ड्रीम्स. मैं हूँ जिज्ञासा सुजाता और ये मेरी कहानी है, और आई होप आप लोगों को ये पसंद आई हो.